नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई मामले की जांच कर रही बालाघाट पुलिस की विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब की बार गोंदिया के पूर्व पार्षद बोरवेल खननकर्ता और शराब कारोबारी और बालाघाट भरवेली के मायल मजदूर रहे व्यक्ति सहित कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गौरतलब है कि बालाघाट पुलिस ने गत 7 जुलाई को नक्सलियों को विस्फोटक और सामग्री सप्लाई करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के सामने इसका खुलासा किया था। ये 7-8 दिन पहले जो एक बड़ा नेटवर्क और हथियारों के विस्फोटक की खोज के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और उनके बरामदगी की थी उसी श्रृंखला में जो बैकवर्ड इनका चैनल है लिंकेज है जहाँ से इन्होंने हथियार और ये अपना विस्फोटक प्राप्त किया है। उसमें ही कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो पैसे मुहैया करा के नक्सली जो कलम है उनको सहायता प्रदान कर रहे थे, जिन पैसों का दुरुपयोग अवैध हथियार अवैध विस्फोटक सामग्री खरीदने में नक्सलियों द्वारा किया जा रहा था। इसी में एक नाम जो रूपगंजा निवासी देवराज सुन्नेवार का सामने आया है जो वहाँ पर शराब का व्यवसाय करते हैं। उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने ये सारी बातें स्वीकार की। पिछले कई वर्षों से उनको डिमांड आ रही थी और उनके द्वारा लगातार नक्सली दलों को पैसे सप्लाई भी किए जा रहे थे, इसलिए उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया। न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हाँ, पिछले जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन था उसमें ही करीब करीब 5 लाख रुपये इन्होंने दिए थे। जो एग्जैक्ट डेट 29 जून को नक्सलियों तक पहुंचाया गया था, उसके पहले भी तो हर 2-3 महीने में चार महीने में उनके द्वारा कुछ कुछ रकम नक्सलियों तक पहुंचाई जा रही थी। अब तक इस मामले में 15 से 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार अलग अलग उनके अपराध कार्यों के आपराधिक कार्यों के कारण किया गया है और आगे भी इसमें विवेचना जारी है। कुछ अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे देखे जाए तो नक्सली बहुत बढ़िया गतिविधि अपने बहुत और अभी पिछले कुछ दिनों पहले नक्सलियों के जो सहयोगी उन्होंने विस्फोटक पदार्थ वेपन्स भी पकड़े थे, आप लोग इनके द्वारा किन्नापुर में अन्य जगह पर कार्रवाई की थी, क्या पूरा मामला था सर और आगे इस पर क्या अभी कितने आरोपी और गिरफ्तार हो गए? जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 7 तारीख को किन्नापुर थाना क्षेत्र में नक्सली को सप्लाई होने वाली एक बड़ी खेप जिसमें कुछ पिस्टल जिलेटिन रॉड और अन्य सामग्री बरामद हुई थी, उसी में आगे जाँच करते हुए हम लोगों ने इसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश की तो 8 आरोपियों में से घनश्याम नाम का व्यक्ति था जिसने बताया कि वो पहले किन लोगों से सप्लाई करवाता था या किन लोगों के माध्यम से सामान इकट्ठा करके नक्सली तक पहुंचाता था। तो इसमें गोंदिया का एक वेचन भंडारे नामक व्यक्ति था जो मिला, उसने पहले एक पिस्टल और जिलेटिन रॉड कुछ उपलब्ध करवाई थी घनश्याम को जो कि नक्सलियों तक पहुँच भी थी, लेकिन उसमें जो एक पिस्टल रह गई थी वो वचन भंडारे ने दी हुई थी ये इस बात की तस्दीक करी। तो वचन भंडारे ने किस व्यक्ति से ली तो उसमें 2 लोग और आए, एक बारू कुमार नामक व्यक्ति और एक बंटी बनवारे करके व्यक्ति हैं उनके नाम से, ये दोनों गोंदिया के रहने वाले हैं। बारू कुमारे जो है व्यक्ति उसने जिलेटिन रॉड उपलब्ध करवाई थी वचन को और वचन के माध्यम से घनश्याम को मिली थी। बारू कुमारे से पूछताछ की गई जिलेटिन रॉड कहाँ से है तो उन्होंने बताया कोई राजेश पाटिल नामक व्यक्ति है, इसी चैन में राजेश पाटिल से पूछा तो उन्होंने बताया अशोक पाटिल से लिया। अशोक पाटिल के बाद ये चीज़ आई एक सुनील लल्हारे नामक व्यक्ति बालाघाट के, इन्होंने इसको उपलब्ध कराई थी। सुनील लल्हारे जो कि पहले मॉइल में जो है भरवेली मॉइल में वहाँ पर काम करता था, कुछ जिलेटिन रॉड जो मिसफायर हो जाती थी या विस्फोट नहीं करती थी तो ऐसी जो जिलेटिन रॉड्स हैं उनको ये अपने बूट में भरकर बाहर निकाल लेते थे और इस तरह से 200 रुपये में 300 रुपये में ये बोरवेल जो ब्लास्टिंग का काम करते, कई बार क्या होता बोरिंग में पानी नहीं निकलता तो पत्थरों को फोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ इस प्रकार से अगर इसका मिसमैनेजमेंट हो रहा मोहल की तरफ से या कुछ भी चीज़ें तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो वो जिलेटिन रॉड उस सुनील लहरे के माध्यम से अशोक पाटिल, वहाँ से राजेश पाटिल, राजेश पाटिल से बारू कुमार, बारू कुमार से वचन और वचन के माध्यम से घनश्याम जो कि इस पूरे जो भी केस है उसका मेन सरगना कह सकते हो जो कि नक्सलियों और सिविलियन के बीच का एक मेन कड़ी उस तक पहुँच गई और चीज़ें चले गई। पिस्टल हमको बरामद हो गई जो कि पिस्टल नक्सली तक नहीं पहुँच पाई थी। इसके अलावा इसमें हम दूसरी चेन में काम कर रहे थे कि ये जो पहले 8 लोग आए थे इन्होंने कहाँ से सामान लाया, तो इसमें हमारी टीम राजस्थान भी गई हुई थी और इसके अलावा इंदौर भी भेजी थी, वहाँ से भी अभी 2 व्यक्तियों को और वहाँ से पूछताछ की ला रही उनसे क्या चीज़ें हमको बढ़ रही।